और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी अपना बयान दे रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे वहीं चलते हैं। द बीजेपी वुड लाइक टू वेरी रेस्पेक्टफुली कन्वे टू द वोटर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड झारखंड, वेन एवर कांग्रेस पीपल गो एंड मेक रेकलेस अनाउंसमेंट्स, आस्क देम योर प्रेसिडेंट इज सेइंग दिस, आप कहां से करोगे, ये पूछना चाहिए। मित्रों, मुझे लगा कि यह महत्वपूर्ण विषय था इसलिए इसको बताना जरूरी था। खड़गे जी, देश से माफी मांगिए आप। इस वक्तव्य के बाद खड़गे साहब, कृपया करके आप देश से माफी मांगिए। और राहुल गांधी, हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप भी माफी मांगिए। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटका और क्या हिमाचल, वहां की जनता की आंखों में आपने धूल झोंका और हरियाणा के लोग समझ गए, और जो जलेबी के मैन्युफैक्चरिंग की बात बताई गई, फैक्ट्री में जलेबी बनेगी, उससे और भी समझ गए, तभी तो देखिए रिजल्ट हुआ। ये जब ये आपने स्वीकार किया है तो कांग्रेस की कलई खुली है, कांग्रेस की सच्चाई सामने आई है। मित्रों, ये मुझे पहली बात कहनी थी। हाँ, इसी में एक और पार्टी है, उनके एक और नेता हैं, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी। क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, वरना नहीं बोलता मैं। वो तो सीधा घोषणा कर देते हैं। एक दिन एक पत्रकार ने मजाक में कहा कि वो एक्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, तो अभी यही उनको कहना बचा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इनकम टैक्स को माफ कर देंगे। यही तो बचा हुआ है, बाकी तो सब करते ही रहते हैं वो। उनको भी समझना चाहिए देखिए क्या है और दिल्ली की हालत क्या है। मित्रों, एक दूसरा विषय और है जो बहुत ही गंभीर है। हमने बार बार कहा था कि वक्त की संपत्ति के नाम पर किसानों की संपत्ति लूटी जा रही है। ये हमने बहुत जिम्मेवारी से कहा था। और इसी प्रकार से जो वक्फ की संपत्ति की हेराफेरी हो रही थी, उसको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में कुछ माफिया लोग कैप्चर कर रहे थे और पैसे बना रहे थे, तो ये प्रस्तावित कानून आया जो अभी सेलेक्ट कमेटी के सामने है, तो मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। लेकिन कर्नाटका के विजयपुरा में जो हुआ है, किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में रातों रात घुसाया गया वक्फ बोर्ड का नाम। तो रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जो खड़गे की तरफ से बयान दिया गया था, कर्नाटक में जो वादे किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, और उसके बाद जो वहां पर स्थिति और महाराष्ट्र को लेकर भी जो संदर्भ में बयान दिया गया था, इसके आधार पर बीजेपी की तरफ से ये जो बयान है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर सामने आ रहा था। इन सब के बीच आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी घमासान बहुत तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर जवाब दिया, आप देखिए पूरी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन फिलहाल असंभव है, कई राज्यों में कई समस्याएं हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। बट इट इज इम्पॉसिबल वन नेशन वन इलेक्शन इम्पॉसिबल बिकॉज सेवरल स्टेट सेवरल प्रॉब्लम्स एंड रीजनल पार्टीज आर देयर। इससे पहले पीएम मोदी ने कल गुजरात के केवड़िया से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयान दिया था। एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा।